लेक के पास में मेरे सब्सक्राइबर मिल गए तो थैंक यू भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस 9:24 हो गए सुबह के, थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, घर पीछे ही है, घर से बाहर आ गया। जैसे ही बेड से उठा मैं बाहर आ गया, बिकॉज मुझे वेदर देखना था। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है काफ़ी तेज, तो किसी को अगर घूमने नैनीताल तो आ सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है। बारिश का कोई चांस नहीं है आज होने का, अगर 1% होगी तो बारिश शाम के टाइम पर हो सकती है। मतलब अभी कुल मिलाकर यह है कि आपको घूमने का कोई मन है तो आप घूम सकते हैं नैनीताल में, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। बट अगर कोई बेबी बच्चे मतलब आपके साथ में आ रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए, छोटे बच्चे, तो उनके साथ में आप उनकी जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह कैरी कर लें, क्योंकि बड़े लोग तो मतलब थोड़ा सा सहन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है। पता है आपको नैनीताल मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो इंडिया के मिनी स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं आप घूमने के लिए, तो अपने साथ में बच्चों के लिए जैकेट और ये सब कैरी कर लें। अगर नहीं कैरी करके लाएँ तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी मतलब सस्ते रेट में और अच्छे रेट में। जो DSA पार्किंग है उसके बगल में जो फुटपाथ लगता है, वहाँ पर भी शॉप्स वगैरह बनी हुई है, स्टॉल वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पर से आप ले सकते हैं। तो जो घूमना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मैंने दो वर्ड बता दिए। बाकी अब दिन शुरू करते हैं आपके साथ में। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं तैयार भी नहीं हुआ, सो अभी पहले कुछ खा पी लेता हूं, तैयार हो जाता हूं, सब चीज़ें कर लेता हूं, उसके बाद में फिर आपके साथ में दिन शुरू करते हैं। तो गाइस फ्रेंच बीन और आलू की सब्जी एंड रोटी ये खा लेता हूं मैं। तो गाइस खाना पीना भी हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है फिलहाल, तो अभी निकलते हैं यहां से बाहर। तो मैं आ गया हूं गाइस अभी बाहर, थोड़ी देर टीन पर बैठ जाता हूं, जो मेरे घर के बगल में एक छत है उस पर बैठता हूं थोड़ी देर अभी। तो मैं सोच रहा हूं गाइस बैठने से बेटर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा घूम लेता हूं इधर उधर, तो अभी वॉक करके नीचे मस्जिद की तरफ को जा रहा हूं फिलहाल मैं। वेदर बहुत अच्छा हो गया आज, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन धूप रही है और आज तो बारिश बिल्कुल नहीं पड़ी है, एक बूंद बारिश नहीं पड़ी है अभी तक का। एक टॉफ़ी खा ली है मैंने, मज़ा आ रहा है अभी। फाइनल गाइस मैं आ गया हूँ मस्जिद के सामने, लेकिन अदीप भाई का कॉल आया, वो करीम रेस्टोरेंट के पास खड़े हैं, तो अभी पहले उनसे मिल लेते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं पहुँच गया हूँ करीम रेस्टोरेंट पर, अदीप भाई वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अदीप भाई से मुलाकात कर लेता हूँ अभी। हेलो। वाह भाई, अदीप भाई देखो वेदर कितना सही हो रहा है यार वहाँ पर। तो अभी अदीप भाई और मैं जा रहे हैं अल्फा स्पोर्ट, इन्होंने कुछ सामान लेना है तो कह रहे हैं आसिफ भाई जरा देख लेंगे साथ में मिलकर। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ अभी अल्फा स्पोर्ट में, और अदीप भाई ने कुछ सामान लेना है, तो देखते हैं क्या लेंगे ये। क्या लेना अदीप भाई? स्नूकर ग्लव्स में आया था भाई ने। अदीप भाई को स्नूकर ग्लव्स लेने थे बट यहाँ पर है नहीं, तो अभी देखते हैं कहाँ मिलेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल हम बाहर आ गए, बिकॉज यहाँ पर जो स्नूकर ग्लव्स होते हैं वो थे नहीं। अभी हम जा रहे हैं रिक्शा स्टैंड पर, तो वहाँ पर डू एंड को करके एक शॉप है, वहाँ पर पूछेंगे, वहाँ ट्राई करेंगे, अगर वहाँ मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन का ट्राई कर लेंगे। अदीप भाई कह रहे हैं बाइक ले लेते हैं यहाँ सिर्फ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं भी सोच रहा हूँ पैदल घूमते घूमते काफ़ी मतलब टांगें तिड़मड़ा गई हैं, तो बाइक से चल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अदीप भाई हैं और अदीप भाई का हवाई जहाज यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको ये स्टार्ट करेंगे। आप चलाओगे या मैं चलाऊँ? चलो आप चलो, आप चलो। तो फिलहाल हम बैठ गए अदीप भाई के साथ बाइक पर और बाइक चल रही है ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं भाई। वेदर इतना अल्टीमेट हो रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ गया मेरे। वेदर तो भाई बहुत ही मस्त हो रहा है। बाइक फिलहाल पार्क कर दिया अदीप भाई ने, और हमारी जो बाइक राइड थी वो फिलहाल यहीं तक थी, तो कंप्लीट हो गई है। तो अभी जा रहे हैं हम डू एंड को में, क्या है शॉप का नाम? क्या तो अभी हम जा रहे हैं डू एंड को, यहाँ से माल रोड स्टार्ट हो जाता है, अभी वॉक करके जाएंगे हम यहाँ से। तो यही है डू एंड को, अभी आ रहे हैं अंदर। तो यहाँ फाइनली हमें ग्लव्स मिल गए हैं, अब इनको बस ट्राई करना है और चेक करना है। तो यहाँ वो ग्लव्स मिल गया जो अदीप भाई को चाहिए था, ये स्नूकर ग्लव्स है। अदीप भाई बहुत ज़्यादा स्नूकर खेलते हैं, काफ़ी बड़े चैंपियन हैं नैनीताल के। तो अभी हम सोच रहे हैं जो बोट हाउस क्लब है उसकी तरफ से जाएं घूमते हुए। चलो अदीप भाई इधर से निकलेंगे। हाँ, तो ये है बोट हाउस क्लब। तो अभी हम पहुँच गए नैनीताल का जो मेन बोट स्टैंड है उस जगह पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज लेकिन काफ़ी कम क्राउड है, जबकि कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पर खचापच लोग भरे पड़े थे और पूरी सारी बोट्स एकदम मतलब पूरी तरह से भरी हुई थी। बारिश में भी यहाँ बोटिंग हो रही थी। वेदर देखो आप, बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त हो रहा है वेदर एकदम। तो मुझे लेक के पास में मेरे सब्सक्राइबर मिल गए तो, और थैंक यू भाई, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष नाम है, और दूसरे का? प्रियांशु। प्रियांशु, ये दोनों बेचारे भी मेहनत कर रहे हैं, अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इन दोनों को भी सर्च कर लेना। क्या नाम है तुम्हारे चैनल? लक्ष ब्लॉगर। नैनीताल के छोटे बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करने में लगे हुए हैं, लक्ष ब्लॉगर नाम से इनका चैनल है, इन बच्चों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ हमने घूम लिया है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ? वीडियो गेम। तो अदीप भाई कुछ जलवा दिखाएंगे मुझे, वहाँ कह रहे हैं आवाज़ जलवा देखेंगे इनका, अदीप भाई का।
तो गाइज हमें रास्ते में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर एक फाइनल मैच होने वाला है फुटबॉल का। तो अदीप भाई कह रहे हैं गेम बाद में खेलेंगे, मतलब पहले हम मैच देख लेंगे। तो हम पहले मैच देखेंगे, उसके बाद फिर हम गेम खेलने जाएंगे वीडियो कॉलर में। तो फिलहाल गाइज जहाँ से मैं मैच देखूंगा अभी वहाँ पर पहुँच गया हूँ। एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ क्राउड दिखाता हूँ कितना है। सेंट जोसेफ कॉलेज का क्राउड काफ़ी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं। एंड यहाँ सैनिक विद्यालय, तो दोनों टीमें DSA ग्राउंड की तरफ को जा रही है। अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं मैं दोनों कॉलेज के नाम बता चुका हूँ आपको। तो अभी आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। लेकिन क्राउड ये मतलब बाहर का नहीं है, क्योंकि इनके कॉलेज का मैच है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और चेयर अप करने के लिए आना पड़ेगा, जैसे कि हम भी बचपन में जाते थे हर जगह पर। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है उस वक्त, और आज जो इन लोगों को अच्छा लग रहा होगा, हमें बहुत पहले कर मतलब वो सब चीज़ें देखी थी। तो अभी मैं यहाँ से खड़े होकर के मैच देखूंगा, मैच स्टार्ट होने वाला है अभी। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 जय। तो अभी रास्ते गान हुआ आपने देखा, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल गाइस मैंने मैच देख लिया, मैच बहुत अच्छा हो रहा है अभी। तो अब जा रहे हैं हम वीडियो गेम पार्लर, जहाँ पर अदीप भाई ने गेम खेलना है। ये जो फुटपाथ देख रहे हैं आप, हमेशा से लगती है, रोज़ लगती है, बट आज यहाँ क्राउड नहीं है बिल्कुल भी। कल यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था, जबकि यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कल। तो गाइस अभी हम आ गए कैपिटल सिनेमा के जस्ट सामने, और अभी हम जा रहे हैं सामने वीडियो गेम पार्लर है, तो वहाँ पर गेम खेलेगा अदीप गेम पार्लर में। अभी जा रहे हैं अंदर, अदीप भाई का गेम स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और मैं देखूँगा आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये 2000 थप्पड़ मार, लेकिन इसने बहुत अच्छा खेला अभी। तो गाइस छिपाने की कोई बात नहीं, अदीप भाई एक जो न्यू चैलेंज शुरू हुआ था उसमें हार गए बहुत बुरी तरह से। अभी नेक्स्ट चल रहा है इनका। She want me to lock it down but I told her to pass the key. You gotta slow it down girl, you moving too fast for me. तो हमने गेम में काफ़ी मस्ती करी अदीप भाई ने और मैंने दोनों ने। अदीप भाई भी बाहर आ गए, मैं भी बाहर आ गया हूँ। तो अभी यहाँ के एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम बैठ गए अभी लेक के पास में। तो अब यहाँ काली पीली नीली हरी मछलियाँ देख लो मेरे साथ में, देखो एकदम नीली हरी मछलियाँ पड़ी हुई है उसमें। भाई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वेदर होगा अदीप भाई, देखो 4 दिन यहाँ पर कंटिन्यू बारिश पड़ती रही, वो भी दिन रात लगातार कंटिन्यू। अब जा करके वेदर देखिए आप, बहुत अच्छा वेदर हो गया। तो जिसने घूमना था आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी देर गाइस मैं यहीं पर बैठूंगा, हालांकि मैं कल वहां पर गया था, आज नहीं जा रहा हूं। वहां चलना है क्या दी भाई, उधर नीचे चलना है, उधर तख्ती पे चलो। चलो फिर, इनका मन कर रहा है दी भाई का, चलो चलते हैं फिर उधर। मैं कल भी आया था यहां, परसों भी आया था, 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूं यहां पर। मैंने इस जगह पर कल एक रील बनाई थी, जो रील मेरे 5-6 हज़ार व्यूज़ मिले, थैंक यू सो मच गाइस। तो फिलहाल हम नीचे आ गए, अभी यहाँ पर थोड़ी देर इन्जॉय करेंगे अभी भाई वहाँ। अरे भाई गिरेगा क्या वो, देखो वहाँ उसमें चला गया, इतना बड़ा शैतान है, जबकि बुढ़ापे में पहुँच गया लौंडे को, शर्म नहीं आ रही है। अदीप भाई भी फुल मजे कर रहे हैं भाई। अरे वाह अदीप भाई, वेदर देख रहे हो आप भाई, वेदर तो कुछ कहनी, आज तो कुछ कहनी नहीं है इसके। अरे अदीप भाई फोटोग्राफी करने के लिए कह रहे हैं, चलो कोई नहीं, फोटो भी खींच देंगे, इनकी वीडियो बना ली हमने फिलहाल। तो गाइस मैंने बोट अपने हाथ से पकड़ रखी है, अदीप भाई वहाँ सामने बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं बोट के अंदर, कह रहे हैं फोटोग्राफी कर दो आसिफ भाई, तो फोटोग्राफी कर दी है इनकी। आप ये देखिए यहाँ का नज़ारा भाई, इस लेक पर आप कितनी देर बैठ दो पता ही नहीं लगेगा आपको क्या क्या करना है, मतलब कुछ कोई टेंशन नहीं, फ्री होकर एकदम बैठ जाओ यहाँ पर, माइंड को एकदम फ्री कर लो और सुकून लेते रहो इस लेक का। है अदीप भाई लेक में कूद रहे हो क्या, वीडियो तुरंत वायरल हो जाए, कूदो तो सही। अदीप भाई बैठे हैं बोट में और मैं बैठा हूँ यहाँ तख्ती पर। तो गाइस यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया हमने, और बहुत मज़े आए यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है लेक के पास। तो आप किसी भी जगह बैठ जाओ आकर, आपको अलग ही फील होगा यहाँ का। चले अदीप भाई, ये बोट अपनी नहीं है यार, घर चल रहे हैं।
तो फिलहाल गाइस यहाँ पर तो हमने घूम लिया, काफ़ी मज़े किए, बहुत मज़ा आया। और आपको पता है लेक के साइड में बैठ जाओ तो बहुत ही मज़ा आते हैं फिर तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो सुकून मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप हो जाता है। तो अभी यहाँ से चलेंगे आज भोटिया मार्केट, तिब्बत मार्केट की साइड से, तो अभी चल रहे हैं तिब्बत मार्केट की तरफ। तो अभी हम आ गए जो फुटपाथ है वहाँ पर, और यहाँ से सामने तिब्बत मार्केट है, यहाँ से घूम कर पूरा वहाँ पर मस्जिद के पास निकल जाऊँगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी चाइना टाउन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है जैसे होना चाहिए शाम के टाइम पर। मैं आपको दिखा देता हूँ अदी भाई, अरे कौन है भाई, इमरान भाई भी मिल गए हैं, कह रहे हैं सही से बनाओ। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं हम अंदर को, सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट जो है नैनीताल की, और सबसे अच्छी क्वालिटी मिलती है, मतलब बहुत बेटर क्वालिटी मिलती है यहाँ पर। अभी देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ। अभी भाई काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे अभी। तो फाइनली गाइज हमने तिब्बत मार्केट घूम लिया है, तो गाइज अब मैच देख लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ क्राउड कितना हो गया यहाँ। ओ भाई क्या जबरदस्त मैच हो रहा है यार, अदी भाई देखो तो, एक सेंट जोसेफ कॉलेज है, दूसरा कौन सा है, सैनिक, भारतीय सही सैनिक विद्यालय, इन दोनों का जो स्कोर चल रहा है 1-1 हो गया है। तो इधर सैनिक ने एक दूसरा गोल मार दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये फुल मजे कर रहे हैं भाई, फुल मस्ती में सारे लौंडे। तो फाइनली गाइस भारतीय सही सैनिक विद्यालय ने यहाँ का जो फाइनल प्राइज था वो जीत लिया है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न मना रहे हैं लोग। अब यहाँ से हम लोग भी चलते हैं। तो फिलहाल गाइस मैच हो गया पूरी तरह से ख़त्म, अब यहाँ से चलते हैं हम, तौकीर भाई छुप रहे हैं पीछे से। तो चले दीप भाई फिर, तो सब लोग अब जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ जश्न मना रहे हैं। तो फिलहाल मैं रिक्शा स्टैंड पर आ गया हूँ, अदीप भाई यहाँ से घर चले जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे थे मुझसे यहाँ तक छोड़ दो, इनकी बाइक यहीं पर खड़ी हुई है। तो ठीक है अदीप भाई, मिलेंगे फिर। हाँ ओके। तो यहाँ से अदीप भाई घर जा रहे हैं, लेकिन अदीप भाई के जाते ही हमारे नए दोस्त जो अभी फिलहाल के नए, मतलब बहुत पुराने हैं वैसे, सानिया भाई और आदिल भाई, ये भी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं माशाल्लाह नैनीताल के, इनके चैनल का नाम है सानिया अंसारी ब्लॉग, तो इनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है सभी को अभी। तो अभी तक मैं कुछ कमियां जो मेरे कैमरा में मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, साने ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसको मतलब काफ़ी नॉलेज है इस सब चीज़ के लिए, इसके चैनल पे जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इससे, इसको मतलब काफ़ी अच्छी तरह से फ़ोन यूज़ करना आता है, ये एप्पल का फ़ोन है, हालांकि मुझे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें इसने मेरे को बताई हैं अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सबसे मीट हो गया माशाल्लाह से, मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी वैसे भी नैनीताल में घर से बाहर निकलो तो मतलब मोस्टली लोग मिलने वाले मिल जाते हैं यहाँ पर, तो कहीं पे भी जाओ आपको कोई ना कोई आपका ऐसा जानने वाला मिल जाएगा, हर दो एक दो मिनट में मिलते रहेंगे लोग, तो यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट भी होता है लेकिन यहाँ ब्लॉगिंग करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बट मेरी अब थोड़ी सी आदत जैसी होते जा रही है, तो मैं हमेशा फ़ोन निकाल के ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। अभी मेरा फ़ोन मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, 4K एकदम वीडियो शूट हो रहा है इसमें। तो गाइस फिलहाल हम हैं रिक्शा स्टैंड पर, और अभी हम यहाँ से घूमते हुए मस्जिद की तरफ को जा रहे हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर वहाँ से घर को चले जाएंगे। तो गाइस साने और आदिल चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं जा रहा हूँ घर, बिकॉज़ मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता हूँ किसी वजह से, तो मैं भी जा रहा हूँ घर। काफ़ी टाइम लग गया घूमने, नमाज़ तो बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ कभी वहाँ, काफ़ी टाइम निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, आपने देखा पूरा दिन बहुत मस्ती करी है मैंने और अदीब ने, अदीब ने तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी, क्योंकि उसने वीडियो गेम पार्लर में भी काफ़ी गेम वगैरह खेले, और काफ़ी लोगों को मतलब वहाँ से रुला के भेज दिया, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद फिर हमने मैच वगैरह भी देखा, बहुत सारी चीज़ें करी। तो घूमते घूमते हम रिक्शा स्टैंड वापस पहुंचे उसको छोड़ने के लिए, तो वहाँ आदिल भाई और शानी भाई भी मिल गए, उनसे ही मुलाकात हो गई। भाई ने मुझे कई सारी चीज़ें बताई, मेरे फ़ोन के अंदर कुछ फीचर्स थे जो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, अभी फिलहाल मेरे को समझ में आ गया कैसे क्या करना होता है, मैं तो सिंपली अपना कैमरा ऑन करता हूँ, शूट करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रहा था, बट अभी मुझे पता लग गई है कैसे यूज़ करनी है, तो अब मैं उनको यूज़ करूँगा, और काफ़ी बेटर क्वालिटी में मेरे को लगता है कि वीडियोज़ मिलेंगी उसमें। तो फिलहाल गाइज मैं अब सोच रहा हूँ खाना पीना खा करके सो जाऊंगा, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, कई बार खुल जाती है तो मेरे को नींद नहीं आती है, और सो जाता हूँ तो फिर आँख एकदम से खुलती नहीं, लेकिन मैं सोता बहुत कम हूँ, मेरे को नींद पता नहीं क्यों नहीं आती, बहुत ही कम आती है। वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे गाइज, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में।